खुदाई के दौरान मजदूर को मिली 11 करोड़ साल पुरानी चीज, हुआ एक खुलासा। कनाडा के अल्बर्टा की एक एनर्जी कंपनी में खुदाई के दौरान शॉन फंट नामक ऑपरेटर को अखरोट जैसे रंग की पसलियां दिखाई दी। वो चीज कुछ ऐसी थी जिसे शॉन ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि वो करोड़ों साल पुराने डायनासोर के अवशेष थे। यह है पूरा मामला। साल 2011 में शॉन प्लांट में काम के सिलसिले में खुदाई कर रहे थे, तभी उनकी नज़र इस चीज पर पड़ी, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब साइंटिस्ट ने उसे देखा तो जांच के बाद पता चला कि वह चीज नोटोसॉ नामक डायनासोर था, जो करीब 11 करोड़ साल पुराना है। करीब 6 साल बाद इसके अवशेषों को जोड़कर कनाडा के रॉयल टायर रेल म्यूजियम रॉयल टायर म्यूजियम में रखा गया है, जिसे देखने के लिए हर दिन लोगों की भीड़ जुट रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दूसरे प्राचीन डायनासोर की तुलना में इस जीव की स्किन काफी बेहतर हालात में है। ड्रैगन जैसा ये जीव एक प्रकार का नोडिसोर है। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 18 फीट लंबे इस डायनासोर का वजन 1300 किलो रहा होगा। म्यूजियम में रहने वाले वैज्ञानिक सेले ब्राउन का कहना है कि यह डायनासोर बेहद ही खूबसूरत है, जिसे इतिहास याद रखेगा। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जब ये जीव मरा होगा तो वो नदी में गिर गया होगा और नदी से होते हुए समुद्र में पहुंचा होगा। इस डायनासोर को सबसे पहले मई में लोगों के सामने लाया गया था, हालांकि उस समय तक इसके आधिकारिक नाम की कोई घोषणा नहीं हुई थी।